अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास ये एक पेशेंट हैं जो कि लिप फिलर के लिए हमारे पास आई हैं और इनका कंसर्न ये है कि मेरे जो होंठ हैं वो बहुत पतले हैं, तो हम उन पतले होंठों की मुनासबत से हमने एक फिलर चूज़ किया है जो कि स्पेसिफिकली लिप फिलर है। ये यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है कि लिप्स के लिए जो चीक फिलर होता है वो लिप पे नहीं लगाया जाता। जो चिन ऑगमेंटेशन के लिए, चिन को आगे करने के लिए, जॉ लाइन बेहतर करने के लिए जो फिलर होता है वो लिप में नहीं लगाया जाता, लिप के स्पेसिफिक फिलर्स होते हैं। तो उससे ये होता है कि एक तो लिप की शेप बहुत अच्छी आती है और फिर उसकी लॉन्जिविटी का मतलब ये है कि वो ज़्यादा अर्सा चलता है लिप फिलर। तो इनको हमने पहले भी लिप फिलर लगाया है। और आपका तकरीबन लिप फिलर जो है वो कितना अर्सा चला था? सेवन टू एट मंथ्स इनका लिप फिलर चला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, विच इज़ वेरी गुड। तो लिप फिलर लगाते वक्त दो चीज़ों का बहुत इम्पॉर्टेंट है, दो चीज़ों का ख्याल रखना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लिप की मुनासबत के अपर लिप और लोअर लिप को प्रोपोर्शन में लेके आना। एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन होता है कि जब आप लिप को अपर और लोअर लिप को इक्वल प्रोपोर्शंस में लेके आते हैं तो लिप की जो लुक है वो बहुत खूबसूरत है। फिर ये जो हमने लाइन लगाई है इसे कहते हैं फिल्ट्रम। तो ये जो फिल्ट्रम है हम इसको भी थोड़ा सा एनहांस करेंगे और थोड़ा सा इनके लिप्स को हम थोड़ी सी इवर्जन भी देंगे। इवर्जन का मतलब है कि इसको थोड़ा सा हम बाहर की तरफ लेके आएंगे ताकि ये खूबसूरत लिप्स बने। इम्पॉर्टेंट है कि हर पेशेंट को एक ही शेप नहीं देते हम, हर एक के फेस के हिसाब से हमने उसको लुक देनी है और उसकी शेप बनानी है। हर एक को पाउटेड लिप्स या बिल्कुल ही डक शेप लिप्स हर एक के नहीं बनाने, हर एक को रशियन लिप्स की लुक नहीं देनी, बल्कि आपने उनके फेस के हिसाब से उसके अंदर फिलर लगाना है। आज हम आपको फिलर लगाते वक्त पूरा एक आपको डेमो देंगे और फिर इनकी बिफोर आफ्टर की पिक भी आपको दिखाएंगे।